पता है मैं बचपन से इस पार्क में आता हूँ। Really? बचपन से यहाँ आते हो? हाँ, हमारे यहाँ छोटा सा एक घर था, बाबा यहाँ लाते थे। फ्रॉम क्रिकेट टू एनीथिंग सब कुछ यहीं खेल खेल के बड़ा हुआ हूँ। अभी भी अक्सर जब कभी सैड होता हूँ या सोच में होता हूँ तो यहीं आता हूँ, लगता है बाबा बस यहीं कहीं से आ जाएंगे। बहुत यादें हैं मेरी यहाँ से। क्या हुआ, मुझे लगता है मैंने तुम्हें बोर कर दिया। नहीं नहीं, नॉट एट ऑल। तो फिर कहाँ लॉस्ट हो, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही दीपू की कॉल आ गई थी। पता नहीं क्या कह रही थी कि नुमैर को बता दूं मुईज के बारे में। ठीक तो तुम लोग फिल्मी बहुत हो भाई। मैं नहीं हूँ, दीपू है। कह रही है तो बता देती हूँ, बस मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ इस सिचुएशन में। जारा, तुम्हें वही करना चाहिए जो तुम्हारा हस्बैंड तुमसे कहे। और वो क्या? और वो ये है कि कोई बात करने की जरूरत नहीं है, कुछ एक्सप्रेस करने की जरूरत नहीं, बस उनकी जैसे तैसे शादी करा दो। अब मुझे देख लो, मैं कितना ना कर रहा था, दादो ने जबरदस्ती की। Now I'm the happiest person in the world. वो तो ठीक है, लेकिन ऐसे कैसे कर दूं? किसी को कुछ ना बताऊं, अजीब सा लगेगा। भाई तुमने इम्पोर्टेंट नहीं समझा समझाना किसी को। बस तुम जो बात करना चाहो किसी से करो, जो नहीं चाहती हो ना करो, कोई मजबूर थोड़ी कर सकता तुम्हें। सिवाय मेरे हस्बैंड के। क्या मतलब? तुमने कहा ना अभी कि मुझे सिर्फ मेरे हस्बैंड की बातें सुननी चाहिए, बस ऐसे मजाक करी थी। खैर देखती हूँ क्या करना। अभी अंदलीप नामा खत्म कर दो। अच्छा लिसन, न्यूली वेड्स की तरह हम कब करेंगे रोमांटिक बातें? जैसे कि? जैसे कि फजाएं घटाएं, उन्हीं बातें होती कि मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा, वो वाली बातें। जैसे कि एक्सक्यूज मी भाई, भाई मे आई प्लीज, थैंक यू हसन। जैसे कि ये फूल तुम्हारे। वापस करो। नो जारा, आई लव यू सो मच, थैंक यू फॉर कमिंग इन माय लाइफ, वेलकम। हाय जालिम, तुम तो कुछ एक्सप्रेस कर दो। क्यों परेशान कर रहे हैं आप अम्मी को? मैं नहीं, वो मुझे परेशान करेंगे। आप इसलिए इनकार कर रहे हैं ना कि आप शादी नहीं करना चाहते, ना आप टाइम दे पाएंगे, या इसके अलावा भी कोई बात है? ये कोई छोटी बात, लड़कियां बहुत डिमांडिंग होती हैं। तुम नहीं, तुम अपने मियाँ से नहीं पूछती कि मुझे शॉपिंग पे ले जाएं, घर टाइम पे आ जाइएगा, मेरा बर्थडे क्यों नहीं याद रखा, शादी पे क्यों नहीं लेके गए, ये सब मैं नहीं कर पाऊँ। तुम्हारे कहने का मतलब है मेरा मियाँ फालतू है जो मेरी बर्थडे याद रखता है, मुझे शादी पे लेकर जाता है और मेरी सारी डिमांड्स पूरी कर देता है? नहीं स्टूपिड, तुम्हारे मियाँ के काम की नौयत वो नहीं है जो मेरे काम की नौयत है। मैं कोई ऐसी कमिटमेंट नहीं करना चाहता जो मैं पूरी ना कर सकूं, और तुम लोग यहाँ पे बैठ के मेरी शादी की प्लानिंगें कर रहे होते हो। कभी हॉस्पिटल आओ तो तुम लोगों को पता चले। कैंसर वार्ड में काम करने वाले शादी नहीं करते क्या भाई? करते होंगे, लेकिन मैं नहीं करना चाहता। मरीजों के बीच बैठा मैं, जिनकी जिंदगी का कोई पता नहीं है, मैं शादी कर लूँ तो कैसा लगेगा? जिन बातों की वजह से तुम शादी नहीं करना चाह रहे अम्मी, इन्हीं बातों की वजह से तुम्हारी शादी जबरदस्ती करा देंगे। और ये लड़की परफेक्ट है तुम्हारे लिए। अम्मी नहीं मानेंगे तुम्हारी बात, इसलिए बेहतर होगा तुम ही उनकी बात मान लो। No, sometimes you say the most ridiculous things. You should listen to yourself. Whatever. और ये पत्ते कैसे काट रहे हो? ये क्या है? माली छुट्टी पे था, मैं क्या करूं? And please go यार. No. अस्सलामुअलैकुम खालू। वालेकुम सलाम। खालू, मैं आपसे इंदलीप के बारे में बात करने आई हूँ। बेचारी बहुत परेशान है, आगे पढ़ना चाह रही है, आप उसके साथ ये ज्यादती ना करें। ज़्यादा जिन लोगों ने पढ़ाई करनी होती है ना, वो दिल लगा कर पढ़ाई करते हैं, लेकिन उसका दिल पढ़ाई में नहीं। खालू, मैं आपको बाबा की जगह रखती हूँ, और इंदलीप तो आपको पता है मेरी छोटी बहन है। मैं आपको गारंटी देती हूँ वो आगे पढ़ेगी और बहुत दिल लगा के पढ़ेगी, आपको मायूस नहीं करेगी। वो ऑलरेडी मुझे मायूस कर चुकी है। तुमने अभी कहा ना कि तुम मुझे अपने बाबा की जगह रखती हो, तो मैं भी तुम्हें अपनी बेटी समझकर ये बात बता रहा हूँ कि वो कॉलेज में किसी लड़के को पसंद करती है, लेकिन तुम्हें तो इस बात का पता है ना, यू नो अबाउट। खानू,
कॉलेज में तो बच्चे एक दूसरे को पसंद करते हैं ना, इसमें क्या अजीब बात है? हाँ, कोई गलत बात नहीं है, अनलेस के रात को माँ बाप के सोने के बाद एक अजनबी लड़के को घर की छत पर बुलाना वो ठीक नहीं। मुझे अभिलीप से ये उम्मीद नहीं थी। मुझे पता है आप उससे बहुत प्यार करते हैं और ये हरकत बिल्कुल गलत है और आप मायूस हुए होंगे, लेकिन है तो बच्ची ना, बच्चों से ही गलतियाँ होती हैं। हाँ, बच्चे ही गलतियाँ करते हैं और माँ बाप ही सुधारते हैं, बस वही कर। आप प्लीज़ मेरी बात का बुरा मत मनाइएगा, लेकिन तरीका गलत है खान। वो उस लड़के को इस तरह तो कभी नहीं भूल पाएगी। आप बस उनकी बात तय कर दें, बेशक आप शादी तब करें जब वो स्टेबल हो जाए। ठीक, बात तय कर देते। कितने साल लग जाएंगे सेटल होने के लिए? 5 साल? 10 साल? चलो 15 साल कर लेते हैं, तब तक तो वो सेटल हो जाएगा, ऐसे ही है ना? जी ठीक है, बस तुम मुझे लिख कर दे दो कि वो अंदलीप को कभी धोखा नहीं देगा। ठीक है, तुम कह रही हो ना कि मैं अंदलीप को उसके नाम पर बिठा कर रखूं, तो ठीक है मैं बिठा देता हूं। अंदलीप की गारंटी तुम्हें लेने की जरूरत नहीं है, ज्यादा अंदलीप की गारंटी तो मैं भी ले सकता हूं। हाँ, अलबत्ता अगर तुम उस लड़के की गारंटी ले देती हो फिर तो बात ठीक है। देखो ज़ारा, जब तुम्हारी अपनी औलाद होगी ना तो तुम्हें पता चलेगा कि कितना मुश्किल है दुनिया की खारदार झाड़ियों से अपनी औलाद को बचा कर निकालना। आपने उसे बताया क्यों नहीं कि आपको सब पता है? कैसे बताता, किस मुंह से बताता? अगर मैं उसे यह बता देता कि उसकी पोल खुल गई है तो वो कयामत ढा देती। देखो ज़ारा, अगर तुम सचमुच अंदलीप को अपनी छोटी बहन समझती हो तो उसकी जिंदगी तबाह होने से बचा लो। हाँ, अगर तुम्हें ये लगता है कि नुमैर इसके लिए ठीक नहीं है तो अलग बात। नहीं नहीं खालू, नुमैर तो बहुत अच्छा लड़का है और वो तो मेरा दोस्त भी है। बस अब इस सोच में हूँ कि जिस लड़की से उसकी बात चल रही है वो किसी और लड़के को पसंद करती है, ये बात मुझे उसे बतानी तो चाहिए। सही बात, जैसे तुम मुनासिब समझो। तुम्हारी छोटी बहनों की तरह तुम उसके लिए गलत फैसला नहीं करोगे।